ये आदमी क्या खेला है, मतलब आज इसने एक जो कृष्णप्पा गौतम को बैकफुट पे सामने छक्का मारा है वो रूम मिला हुआ था, लेकिन वो क्या कमाल का शॉट था। मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया कि क्या बल्लेबाजी करता है ये इंसान यार, मतलब पागल कर दिया इसने तो। और मैं कहता हूँ सीएसके को जो स्टार्ट मिला था, ये जितनी ग्रेवियां रखी हुई है ना, मोइन अली, दुबे, ये सब छोटे छोटे रन करके निकल गए। अगर कोई एक और 45-50 की इनिंग होती तो आज सीएसके 235-40 भी बना सकता था, जिस तरह का तारीखी आगाज दिया था ऋतुराज गायकवाड़ ने। और आसान विकेट नहीं थी ये, ये स्लोइश विकेट थी थोड़ी सी, ये भी मैं आपको बता दूं। बात से बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मुझे याद है ये कलाई मलाई अपने ऐसे ही नाम नहीं रख दिया था, इसकी बहुत सेंचुरीज है। मैं बताऊं आपको, ये राजी का मतलब इंतहा कोई खतरनाक बदबूदार खिलाड़ी नहीं होता कि जिसके बारे में ये होता है कि सौ किए बगैर जाएगा नहीं, रन मशीन। तो ये इतने रन मार चुका है और इसका नाम उस तरह से नहीं लिया जाता जैसे संजू सैमसन का नाम लिया जाता है, जैसे पृथ्वी शॉ का नाम लिया जाता है, जैसे और दीगर राहुल त्रिपाठी हो गए, अनुज रावत हो गए, और तिलक वर्मा हो गए, जैसे मैं कह रहा हूँ इनका नाम उस अंदाज से नहीं लिया गया। बड़ा अंडररेट रखा है इसको ऋतुराज गायकवाड़ को, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि जब ये खेलने के टाइम आता है इसका तो ये इंजर्ड होकर बाहर हो जाता है। मगर ये आईपीएल का तीसरा सीजन में बता रहा हूँ, जिस अंदाज से ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना नाम जो है ना वो अब उन किताबों में लेकर आ गए T20 की, जहां पर ये कहा जाता था कि नहीं यार इसको फाड़ दी, इसने किताबें फाड़ दी आज जो ये छोड़ देते हैं ना। मैंने उस मंदी के पहले गेम में भी, यानी कि पहले गेम में जो इसने रन आज की इनिंग मुझे फाड़ के वो रन है 9 छक्के पर, आज की इनिंग मुझे स्किल लेवल बड़ा ऊपर लगा। खिलाड़ी का होता है ना, जो पता होता है मुझ पर ये बातें की जा रही है तो वो अबे किसकी छत पे जाके खेल रहे हैं जो बाकी लोग नहीं खेल पा रहे। मैं यही कह रहा हूँ कि जिस अंदाज से ऋतुराज गायकवाड़ ने इंप्रोवाइज करना शुरू किया अपने आप को यार, इस खूबसूरती से वो चेन्नई को इस साल, तो क्या पिछले साल भी था, इस साल वो मजीद 4 लगा रहा है, क्योंकि कौन में इसका पता नहीं है, जहाज पे बैठ कर आया दोनों ने मिलकर, खासतौर पर ऋतुराज गायकवाड़ की मैं बात इसलिए करूंगा, इसको बड़ा नीचे रखा गया इस तरह की करूंगा, इसको बड़ा नीचे रखा गया इस तरह की, इसकी उस तरह बात नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए। और इससे आज फिर अपने जो है ना वही कम बॉले ली इसने, तो और पिछले पहले से भी कम बॉले ले ली, ये रोज नया करने का सोच कर आ रहा है। और शॉट सारे धोनी मायूस कर रहे हैं, धोनी ऊपर नहीं आ रहे, पब्लिक चिल्ला रही थी 2 विकेट गिरी, पहली गिरी धोनी माय, उनसे बैटिंग करो यार, टच में लगा था लास्ट मैच में भी, ऊपर आओ, मतलब जरूरी है क्या मोइन अली को बैन स्ट्रोक्स को जल्दी बैटिंग कराना, ये सही गले की घंटियां बाल ली है। मोइन अली से तुम्हारा क्या है, तुमने सुन लिया होगा शायद हमने पहले मैच में कहा था ये कौन सी दोस्ती आने वाला है, आज दुबे को छुपा ऊपर करके तुमने फिर मोइन अली, हालांकि शुरू में नहीं लगे उससे बाद में मारे शिवम दुबे ने, बस जाया नहीं क्या, बट वही मैं कह रहा हूँ कि अगर एक और 50 के करीब की इनिंग एक और आती तो चेन्नई डेफिनेटली, ये तो अभी फंस गए थे 205 भी बड़े मुश्किल थे, राइडू ने रन पाल लगवाया सर पहले मैच में तो चलो बॉले कम थी, इस दफा भी जब आया तो बॉले 3 ओवर 18-15-16 बॉले उसको मिली है, उसी में उसने लपेटा है सारा गेम, जहां पर मुझे लगा कि 210 तो यहां पे चेज नहीं होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि वहां से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 200 के अंदर अंदर जा रहे थे भाई आप, तो ऊपर नहीं जा रहे थे। 16 रन जो आए ये राइडू, और आप अगर उस राइडू की जगह जडेजा की जगह आप आ जाते क्या, वो तो कर ही लिए होंगे, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप आस्तीने बगैर आस्तीन हो गए, मैं इसे एक दिन पहले तस्वीरें खिंचवाने को आ गया, चारा डाल गया फैंस के आगे कि देखो मैं क्या करने वाला हूँ, तो भाई तुम्हारे इंतजार में स्टेडियम भर रहे लखनऊ हो, भले इंदौर हो, भले कोई हो, बेंगलुरु हो, घर में तो आओ यार, घर के बेंचेस में तो आओ ना, चेकबुक में तो आओ, अपने घर के अंदर मतलब लोग अब तुम्हारी अगर ज्यारत नहीं करेंगे लोग, दूनी की ज्यारत नहीं होगी चेन्नई के अंदर, तो फिर बेकार है ना, करोड़ों फैंस हैं जो यार बेचारे लाठियां खा रहे हैं, लोग कह रहे हैं व्यूअरशिप आज फिर बहुत थी, बहुत धोनी आए तो है आखिर में, लेकिन बात ये कि आपको पहले बैटिंग करनी है, अब लोग आपको देखना चाहते हैं। धोनी से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्टेडियम के बाहर जो पुलिस लाठी चार्ज में जो फैंस बेचारे जख्मी हो रहे हैं, सिर्फ अंदर आने के लिए किस लिए आ रहे हैं, वो धोनी आपको देखने के लिए आ रहे हैं, कॉनवे को या फिर बेन स्टोक्स को या आपके पक्के दोस्त मोइन अली को देखने नहीं आ रहे, वो भाई आप बैठे ना स्टेडियम के अंदर कैमरा आ रहा है, वो नहीं आपकी प्रेजेंस चाहिए, भले आप पहली बॉल में चले जाओ, मगर आओ तो टाइमली ना यार, थोड़ा सा लोगों के अंदर एक
एक्साइटमेंट होती है वो दिखाना चाहते हैं लोग यार। ठीक है रन आपके आज जीत वाले तो जरूर हो गए, अब शिकायत बिल्कुल ठीक है कि यार धोनी को देखने के लिए हजारों लोगों ने धोनी मैसेज कर दिया, जैसे मेरे कहने से धोनी खेलने में जाके पहले, अबे भाई मैं मेरे कहने से जब जडेजा के भी नीचे आओगे तो फिर हो गया काम, जडेजा को तो चलो फिर पौने दो करोड़ एक वक्त था, लोग जो बता रहे लोगों की बात पे हमने चेक नहीं किया कि पौने दो करोड़ लोग जो है एक वक्त में लाइव आपको देखने के लिए बैठे हुए कि धोनी आएगा, जब आप आते हो तो रेटिंग और ऊपर चली जाती है क्योंकि लोग आपको बैटिंग करते हुए देखना चाहते हैं। मैं तो हैरान हूं परेशान हूं, बट अगर कमिंग बैक टू फर्स्ट इनिंग यार व्हाट अ ऑसम नॉक बाय ऋतुराज गायकवाड़, इसकी वजह पहले मैच में 9 छक्के हैं लेकिन आज उसका स्किल लेवल कुछ और था। जब राहुल ने गौतम को एक स्लैंग दिया कि भाई तू राउंड द विकेट बॉल कराएगा और राउंड द विकेट तू ऐसे बॉल कराएगा कि कानी जो है ना तूने लगानी है, यकीन करें वो जो वेट ट्रांसफर किया है कमर के बल पे बैकफुट पे सामने छक्का मारा है ऋतुराज गायकवाड़ ने, वो क्लासी है भाई, वो क्लासी है, वो क्लासी बंदा मार सकता है। और मैं हैरान हूं कि यार ऋतुराज गायकवाड़ को अब खिला लेना चाहिए यार, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, हमें हम तो हर प्लेयर के एडमायरर हैं यार, हम बात करते हैं सिर्फ स्किल लेवल पर, चाहे वो बाबर से लेकर रोहित शर्मा। लेकिन सच बात बताऊं ये राहुल को गोद का बच्चा बना के, मैं अभी इंटरनेशनल क्रिकेट पे चला गया, नॉट टॉकिंग अबाउट द आईपीएल राइट नाउ, राहुल को गोद का बच्चा बना के ओपन कराए जा रहे हैं, ईशान किशन तू कर ले, गिल तो चलो सेट हुआ है बट मौके दिए यार, इस आदमी का कसूर क्या है? इंडिया टीम में आया एक मैच खेला, शिखर वाली टीम में बाहर हो गया, फिर ये इंजर्ड हो गया, मतलब मुझे समझ नहीं आता ये एक मैच के लिए आता है उसके बाद खबर कौन निकालता है कि ये इंजर्ड हो गया। अगर ये इतना ही इंजर्ड प्लेयर है वो कलाई का इशू तो था इसका, वो अब रिजॉल्व हो गया। अगर ये इतना इंजर्ड प्लेयर है तो पूरे साल रन बनाता है, एक इंजरी की खबर नहीं आती इसकी। राजी की पैदावार है क्या? राजी खेलेगा वहां फिट कैसे खेल लेता है? या तो फिर वहां पे ठीक है नहीं खेला के खेलता है जैसे चेतन शर्मा ने नहीं कह दिया कि वहां पे ये काम होता है, नहीं भारत को वाला काम नहीं। मगर ये ऋतुराज गायकवाड़ भाई ये 13-14 छक्के तो 2 मैचेस में मार गया। अब आप देख ले टॉप ऑर्डर में, अगर इतनी बड़ी लीग के अंदर टॉप ऑर्डर आपका 12-13-14 छक्के शुरू में दिखा देगा 2 मैच में और लोग यहाँ पे 10-10 मैचेस का इंतजार करते हैं कि अब धोनी ने तो जब मार फुट को, अच्छा आप लोग जो इतना दे रहे हैं मैं आपको बताऊं, अभी परसों जो ये पहला मैच हारे तो मैंने क्या बोला और पहले से हम क्या बात कर रहे थे कि धोनी प्रैक्टिस हमने देखी, धोनी ने काम किया है एक तो फिटनेस पे, दूसरा बैटिंग करने में सबसे आम चीज आज भी है रिफ्लेक्सेस, वो वक्त के साथ जाते हैं पर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे रिफ्लेक्सेस आपके साथ चलेंगे। 148 की बॉल पे अगर धोनी ने मारकुट को आखिर में रक्षा कर